अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़्शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। फ़ाइनली 25 रमज़ान गुज़र चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, हमें मौका दिया कि हम रमज़ानों के अंदर इबादतें कर सकें और तरावी पढ़ सकें, दुआएं मांग सकें अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, अपनी माल के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी सेहत के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि जितने और बाकी जितने भी रोज़े बचे हैं, 5 या 4 ही हैं हमारे पास, तो मैं उम्मीद करता हूँ ख़ुद भी और आपके लिए भी अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इसमें क़याम की और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगने की और अपने रोज़ों को अच्छे तरीके से गुजारने की और अपने गुनाहों पे काबू रखने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो रोज़े जा चुके हैं अल्लाह ताला उनको कबूल करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, और जितने भी नबी अल्लाह ताला ने भेजे हैं उनके साथ एक मकसद अल्लाह ताला ने रखा है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूल अन अबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, यानी कि वो अल्लाह की तौहीद का हुक्म देते हैं और वो बुरी चीज़ों से रोकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह के बारे में भी बताया। हम पढ़ते रहते हैं हदीसों के अंदर, कुरान के अंदर, ये कुरान भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। अल्लाह के रसूल ने हमें इस दुनिया से बाहर की जो चीज़ें हैं, कायनात की जो चीज़ें हैं, जो अल्लाह के मामलात हैं, वो भी उन्होंने हमें बताएं। फिर अल्लाह के रसूल ने हमें हमारे हालिया मामलात भी बताए, और जो हालात होने वाले हैं हमारे साथ अल्लाह के रसूल ने हमारी उसमें भी रहनुमाई करी है। इबादत कैसे करनी है, फिर क़यामत कैसे कायम होगी, क़यामत की निशानियाँ हो गई, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल ने हमें बताई। लेकिन उसके साथ साथ हम ये सारी बातें जो है, इसका इबादत से ताल्लुक़ है, यानी कि हम गैब पर ईमान लाते हैं, जो चीज़ें होने वाली हैं हम उस पर ईमान लाते हैं, जो चीज़ें आसमानों पर हुई हैं हमारी तखलीफ़ से पहले हम उस पर भी ईमान लाते हैं। ये अल्लाह के साथ इन तमाम चीज़ों का जो है वो अल्लाह के साथ ये अटैच है, दीन के साथ ये अटैच हैं, गैब के साथ ये अटैच हैं, इबादत के साथ ये अटैच हैं, अकायद के साथ ये अटैच हैं। आकाम, डूज़ एंड डू नाट्स, प्रेफरेबल डूज़, सुन्नत, मुस्तहब, ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल की एक ज़िंदगी थी जो लोगों के साथ थी, उनकी इनफरादी और इज्तिमाई, जब वो किस तरीके से लोगों में उठते बैठते थे, वो किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट होते थे, किस तरह बात करते थे वो, और उन्होंने किस तरीके के मामलात कहे हैं कि लोगों के साथ किस तरीके से पेश आना है। ख़ुद भी उन्होंने अमल करके दिखाया और हमें भी उन्होंने हुक्म दिया। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमारे लिए आला मिसाल है उस्वा हसना की। तो और लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा नहीं था कि जो बात वो कहते वो ख़ुद नहीं करते थे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी करते थे उस पर, और वो लोगों को उस चीज़ की दावत अपने लिए अच्छा समझते थे और वो लोगों के लिए भी अच्छी समझते थे, और जो चीज़ वो लोगों के लिए अच्छी समझते थे और वो ख़ुद उस पर अमल करते थे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, ऐसा नहीं था। एक मोमिन शख्स की भी यही मिसाल होती है कि वो कभी भी वो ऐसे काम नहीं करता कि वो दूसरों को जो दावत दे रहा है वो ख़ुद ना करे, या ख़ुद वो जो काम कर रहा है तो वो बख़ील नहीं होता, वो दूसरों को भी वो इल्म सिखाने की ख्वाहिश रखता है। यानी कि अगर वो ख़ुद अच्छाई कर रहा है, ख़ुद सच बोल रहा है, तो वो ये पसंद करता है कि दूसरे भी सच बोलें, दूसरे भी अच्छाई करें। अगर वो ख़ुद गरीबों को खाना खिला रहा है तो वो ये पसंद करता है कि दूसरे भी खिलाएं। अगर वो ये पसंद करता है अपने लिए कि मैं जन्नत में जाऊं, मैं ये अमाल कर लूँ, तो वो दूसरों को भी उसकी तरगीब दिलाता है, दूसरों को भी मोटिवेट करता है। वो ख़ुद अकेला खाने वाला नहीं होता, वो सारी नेकियां अकेले नहीं समेटता, बल्कि लोगों को भी मौका देता है। अगर कोई इल्म उस तक पहुँचता है तो वो ख्वाहिश रखता है कि जो बात मुझको पता चल गई है मैं लोगों को भी बताऊँ। कंजूसियत नहीं करता वो इन पहुँचाने में। ये एक मोमिन की शान होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ आदाब सिखाए, हमें कुछ तरीके कार सिखाएं ज़िंदगी गुजारने के, जिसका ताल्लुक़ हमारी इंसानियत के साथ जिसका ताल्लुक़ है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाता है हमने तो आपको रहमत बना के भेजा है जहानों के लिए। यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि हमने लोगों के साथ किस तरीके से बातचीत करनी है, और सिफात कभी अल्लाह के रसूल ने मिसाल लेके समझाया कि अगर तुम लोगों के साथ ये वाला मामला करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ ये मामला करेगा। तो सबसे पहले हदीस जो मैं आपके सामने रखूँगा वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लिल मोमिनी अल मोमिन सित्तु खिसाल, यानी कि एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर 6 हक़ हैं। एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर कितने हक़ हैं? 6 हुकूक़ हैं। यानी कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे मोमिन के लिए, यानी कि आपको उसका हक़ अदा करना है। आपके लिए ज़रूरी है कि आपको अल्लाह ताला ने आपको अल्लाह ताला अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अगर ऐसा कोई मामला आता है इन 6 में से, तो ये आपके ऊपर, ये दूसरे मोमिन का हक़ है आपके ऊपर कि आप उसको इन बातों का ख्याल रखेंगे आप उसकी। तो आपके ऊपर 6 हक़ हैं दूसरे मोमिन के लिए। पहला हक़ ये है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यऊदुहु इज़ा मरिदा, जब कोई मोमिन भाई, कोई मुसलमान भाई, कोई आपका पड़ोसी या आपका कोई दोस्त जो नेक है, मोमिन है, जो मुसलमान है, अगर वो बीमार पड़ जाता है, अगर वो बीमार हो जाता है, उसको कोई मसला लायक हो जाता है, उसको कोई बीमारी लग जाती है, उसके साथ कोई परेशानी हो जाती है, तो आप उसकी इयादत करें, आप उसके पास जाएं, उसके साथ बैठें, उसके दिल को तसल्ली दें, उसको हौसला दें, उसका सहारा बने। पूछें उससे, भाई अगर तुम्हें कोई काम है मैं तुम्हारे लिए कोई काम कर देता हूँ। यानी कि अगर हम किस तरीके से पहचानेंगे कि हमारा मोमिन भाई जो है बीमार है, अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो मस्जिद में रेगुलर होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, पहली सफ़ में आपने देखा होगा, तो अक्सर कभी ऐसा होता है कि वो शख्स आता नहीं है, तो लोग उसके बारे में सवाल करते हैं। ये अल्लाह ताला उसके लिए तरीके रस्ते तलाश करवाता है। लोग पूछते हैं उसके बारे में कि भाई ये फ़लाँ साहब नहीं है, फ़लाँ साहब नहीं है, तो बाद में पता चलता है कि जी फ़लाँ बीमार है। या आपको उसके अलावा कोई और एग्जाम्पल से पता चल जाए, किसी और तरीके से आपको किसी और रास्ते से पता चल जाए कि आपके रिश्तेदार बीमार हैं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारा हक़ है कि तुम उसके पास जाओ और उसकी इयादत करो। उसके पास जाओ, उसके साथ बैठो, उससे बातचीत करो, उससे पूछो उसको कोई ज़रूरत तो नहीं है। इयादत यही होती है कि जाके उसके दिल को तसल्ली दो कि भाई कोई मसला नहीं, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला जो है, ये जो तुम्हारी तकलीफ़ है अल्लाह ताला तुम्हें इसका बदला ज़रूर देगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अस्सलुल्लाहुल अज़ीम और रब्बुल अर्शिल अज़ीम यही अशफ़िया, अल्लाह से आप सवाल करें, मैं अल्लाह के अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम जो है उसका मैं सवाल करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दे। तो इस तरीके से आप दुआ दें, अज़हिबिल बअस रब्बन नास, अल्लाह आपको शिफ़ाए कामिला दे। जैसा भी हो, आपकी कोई नाराज़गी हो, ये तो अल्लाह की तरफ से आपके लिए मौका है कि अगर कोई आपका भाई, आपका दोस्त बीमार है, कभी आप उसके लिए शहद ले गए, कभी आप उसके लिए कोई जमज़म का पानी ले गए, कभी आप उसके लिए फ़्रूट्स ले गए, तो ये इयादत करना, लोगों में लोग अपने भाई का ख़याल रखना, उसकी ख़बर रखना कहीं वो बीमार तो नहीं है, ये तो हक़ है हमारा कि हम उस मरीज़ की इयादत करें, अपने भाई की इयादत करें। वसल्लम फरमाते हैं जब वो कोई फ़ौत हो जाए, जब एक मोमिन शख्स फ़ौत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो हम पर क्या हक़ बनता है उसके लिए कि हम उसकी जनाजे में शरीक हों, हम दुआ करें उसके लिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वाफ़ी वाफ़ु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहू, हम उसके लिए दुआ करें, उसके लिए जन्नत की दुआ करें, उसके लिए जहन्नुम के अज़ाब से बचने की दुआ करें। हम उसके पास जाएं, उसके घर जाएं, उसके घर वालों को उसके जनाजे में शरीक हों, उसके कब्रिस्तान तक जाएं, उसके लिए जो है दुआए मग़फ़िरत करें और ख़ुद भी उससे इबरत हासिल करें। क्योंकि ये देखें, ये हमारा, ये उस भाई का हक़ है, ये आखिरी हक़ है जो जनाजे के पीछे जाना है। जब आप किसी के जनाजे पे जाएंगे तो अल्लाह भी फिर आपके साथ ऐसी मामलात करेगा, अल्लाह ताला आपके जनाजे में भी पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग भेजेगा। यही होता है एक मोमिन का हक़ कि आप पहले उसकी इयादत करें, और फिर दूसरा हक़ ये है कि आप उसके जनाजे को फॉलो करें। तीसरा हक़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं वो ये है, हदीस में आता है कि अगर वो किसी काम के लिए आपको याद करें कि भाई मेरा ये काम कर दो, मेरे साथ ज़रा परेशानी हो गई है, मेरे ज़रा ये, जब वो आपको पुकारें तो आप उसकी पुकार का जवाब दें, आप उसके मामलात के अंदर, आप उसके मामलात की आसानी के अंदर आप शामिल हों। आप उससे कहें कि अगर कोई काम है तो ठीक है मैं कर देता हूँ, आपने मुझे याद किया। अगर वो कोई आपको कॉल करके कहते कि भाई मेरी ये चीज़ पहुँचा दो, फ़लाँ चीज़ पहुँचा दो, तो आप उसका हक़ अदा करें, आप उसके काम आएँ, ये इंसानियत है। और इसी से ही दिलों में आपस में मोहब्बत पैदा होती है। अगर देखें एक शख्स आपसे अगर आपके ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखता है, आपको पता है भाई इसके दिल में मेरे लिए बुग़्ज़ है, हमारे साथ कुछ ऐसे मामलात हो गए, तो आपको तो ऐसे मौके की तलाश में रहना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से आप उसको मना लें, किसी न किसी तरीके से आप उससे जो है आप उसका कोई काम कर दें ताकि उसके दिल से आपके लिए बुग़्ज़ ख़त्म हो जाए और उसके दिल में आपके लिए नरमी आ जाए। देखें हमारे रिश्तेदारों में कितने ऐसे लोग होते हैं कि दिलों में बुग़्ज़ आ जाता है, रिश्तेदार होते हैं उन्हें हर अच्छे बुरे का पता होता है, कभी किसी को पता चल जाता है, कभी कुछ होता है। तो आपके लिए ये मौका है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ये हक़ है, तुम हक़ अदा करो उसका। कभी कभी जो आपसे बुग़्ज़ रखता है, शदीद बुग़्ज़ रखता है किसी हवाले से, आपको लगता है कि यार ये मुझसे हसद करता है, कभी आपको लगता है ये मुझसे नाराज़ रहता है, कभी आपको लगता है भाई मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई थी कि ये मुझसे नाराज़ हो गया, चाहे वो ऑफिस में हो या दोस्तों में हो या रिश्तेदारों में हो या घर में हो। तो आपको तो ऐसे मौके की तलाश में रहना चाहिए, आपको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ऐसे मौके फ़राहम कर दे कि मैं उससे जाके मैं सुलह कर दूँ। तो कभी वो बीमार हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए तो आप जाएं उसके पास, बैठें, देखें उसका दिल कैसे नरम होगा आपके लिए, देखें कितना सुकून मिलेगा आपको उसके साथ बैठ के। एक और हक़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये बहुत कॉमन सी बात है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तुम किसी मोमिन शख्स के साथ मुलाकात करो, आप उसको जानते हो या ना जानते हो, दूसरी हदीसों में आता है आप उसको जानते हो या ना जानते हो, आप उसको सलाम करें, वह युसल्लिम इज़ा लक़ी, आप सलाम करें उस पर, आप उसको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात, आप इस तरह उसको सलाम करें कि आप पर सलामती हो, आप उसको दुआ दें कि अल्लाह आपको सलामत रखे, बदले में भी वो आपको वो जवाब देगा वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और ये अल्लाह ताला का हुक्म था आदम अलैहिस्सलाम को कि आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सलाम किया और उन्होंने भी फरिश्तों को सलाम किया। तो सलाम अल्लाह ताला का एक ऐसा तोहफ़ा है हमारे लिए जो हम आपस में, हम भाइयों के लिए आपस में हमारे दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। अगर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपका कोई पड़ोसी आपसे नाराज़ है, सख्त नाराज़ है, गाड़ी पार्क करने के हवाले से कोई लड़ाई हो गई, पानी के हवाले से कोई लड़ाई हो गई, घर में किसी और मसले की वजह से लड़ाई हो गई, छोटी छोटी चीज़ों से पड़ोसियों से लड़ाई हो जाती है, तो अगर आपका वाकई अगर आप चाहते हैं कि आपने उसका हक़ अदा करना है और नबी को फॉलो करना है, नबी को फॉलो करना है, याद रखिएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, तो आप उठते बैठते कभी उसकी मुलाकात है आप उससे सलाम कर दें, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जवाब नहीं देगा, लेकिन उसको भले वो कराहियत रहे लेकिन वो जवाब ज़रूर देगा इंशाल्लाह, अगर उसके दिल में खैर होगी। अगर वो जवाब नहीं भी देता फिर भी आप उसको सलाम करें, एक बार करें, दो बार करें, तीन बार करें, 10 बार करें, 20 बार करें, एक ना एक दिन तो अल्लाह उसके दिल में ये डालेगा ना कि वो मुझे इतना सलाम कर रहा है, वो मेरे लिए इतना अच्छा सोचता है, वो मुझे दुआएं देता है, मैं भी चले मैं इसे माफ़ कर देता हूँ। तो आप उसको सलाम करें, ये हक़ है उस मोमिन भाई का। कि पहला हक़ क्या था, आप उसकी इयादत करें, दूसरा हक़ ये था कि आप उसके जनाजे में शरीक हों, तीसरा हक़ जब उसको कोई काम पड़ जाए तो आप उसकी मदद के लिए हाजिर हों, चौथा हक़ आप उसको सलाम करें, और पाँचवा हक़ ये है वह युशम में तो इदासा, जब उसको छींक आ जाए, जब उसको स्नीजिंग हो, जब उसको छींक आ जाए लोगों के बीच में बैठ के और वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह आप उसके अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब दें, आप कहें यरहमुकल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह को छींकना पसंद है, अगर कोई शख्स छींकता है अल्लाह को पसंद है, और कोई शख्स उबासी लेता है, यॉनिंग करता है तो वो अल्लाह को पसंद नहीं है, ठीक है। तो कोई अगर शख्स छींकता है तो आप भी उसके जवाब में क्या कहें यरहमुकल्लाह। और एक रिवायत में आता है जब कोई छींके और आप वो अल्हम्दुलिल्लाह कहें, आप कहें यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पे रहम करें, फिर वो जवाब में आपको जवाब दे वयुस्लिहु बालकुम, अल्लाह ताला आपके हालात आसान कर दे, वयुस्लिहु बालकुम, अल्लाह ताला आपके साथ आसानी वाला मामला कर दे। तो देखें अल्लाह ताला ने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि किस तरीके से आपने उसको राज़ी करने अपने भाई को। वो कोई अल्लाह ना करे अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो कोई काफिर नहीं हो जाता, वो ऐसा नहीं हो जाता कि वो इंसानियत से उतर गया, इतना शदीद नहीं होता कि मोमिन के उस पर फतवे लगाना शुरू कर दें। अगर उससे कोई छोटी सी गलती हो गई, अगर आपको पता चल गया कि उसने आपकी ग़ीबत करी है, अगर आपको पता चल गया कि उसने आपके साथ ये मामलात करें, तो मोमिन कोशिश करता है कि सिला रहमी रहे, जुड़े रहें, वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। और कॉम्प्रोमाइज़ का ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ दुनिया में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने उसके लिए अजर रखा है कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है उसकी इन हरकतों के ऊपर और वो अपनी तरफ से भलाई का रास्ता उसके लिए लेके जाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए अजर है अल्लाह की तरफ से। एक और हदीस में सलाम के बारे में देखें सलाम की कितनी इंपॉर्टेंस है। सलाम करने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युसल्लिमुस्सगीर वअलल कबीर, छोटे बड़े को सलाम करें, बड़ों को सलाम करें, सलाम करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो सलाम करें। सलाम करें, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं होती, जैसा भी हो आप सलाम करें। वल्मारु अलल कायद, अगर कोई गुजरने वाला शख्स है तो वो बैठे हुए लोगों को सलाम करें। छोटे जो हैं वो बड़ों को सलाम करें, गुजरने वाला शख्स जो है ना वो बैठे हुए को सलाम करे। वल कलील अलल कसीर, और वो सलामती हो उन पर जो कलील हैं, वो कसीर को सलाम करें। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टैंडर्ड बताया, भाई जो छोटा है वो बड़ों को सलाम करे। जैसे आप किसी में आए तो बड़ा आपके लिए उठ के आए, इससे पहले आपका अदब ये है कि आप उसको जाके सलाम करें। और जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, अब आप ये बोलेंगे भाई मैं क्योंकि घर में बड़ी रेपुटेशन है मेरी, और जो बड़ा आदमी है ना वो सबसे पहले हाथ आगे नहीं करता। जो इस तरीके की सोच, मुसलमानों की ऐसी सोच कैसे हो सकती है? बल्कि मुसलमान तो पहल करता है सलाम करने में, मुसलमान तो खैर करने के लिए आगे बढ़ता है। वो ये थोड़ी होता है कि वो बोले भाई मैं कुछ थोड़ा पैसे वाला आदमी और रेपुटेशन है मेरी बहुत बड़ी, और वो फलां आदमी जो है ना वो गरीब है, वो बुज़ुर्ग है, वो गरीब है, मेरे हकारत की नज़र से देखते हैं उसको और कोशिश करते हैं कि वो सलाम करे। और सलाम भी कैसे करते हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अगर वो सलाम भी कर दे तो किस तरह जवाब? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बस भाई दिल से उसको दुआ दें, दिल से उसको दुआ दें। वो अगर आपके सलाम की कदर नहीं करता, अल्लाह तो करता है। आपका सलाम करना दो तरीके से हदीसों पर अमल होगा। एक, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल किया, सुन्नत पर अमल किया, और दूसरा आपने सलाम किया। लेकिन याद रखिएगा, ये सुन्नतें ऐसी हैं जो दो भाइयों को आपस में इत्तिफाक पैदा करती हैं। अगर अल्लाह ना करे घर में पैसों के मामले पे अपने भाई से लड़ाई हो जाए, अगर कोई डिसीजन के मामले में घर में लड़ाई हो जाए, अगर आपके वालिद आपसे नाराज़ हो जाए आपकी किसी ऐसी आदत की वजह से जो उनको पसंद नहीं है, अगर आपकी वालदा आपसे नाराज़ हो जाए, या आपकी बहन आपसे नाराज़ हो जाए, आपका भाई आपसे नाराज़ हो जाए, या आपके दोस्त आपसे नाराज़ है, आप सलाम करें, सलाम में पहल करें। तो सिला रहमी की इब्तिदा यहीं से ही होगी कि आप उससे सलाम करें, आप उसे चलते फिरते आप सलाम करें, अल्लाह ताला उसके दिल में मोहब्बत पैदा करेगा। तो ये 6 हक़ थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं एक मोमिन पर। एक हदीस आती है, अब देखें एटिकेट्स के बारे में, एक मुसलमान के आदाब के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। जो एक बार एक वाक़या हुआ, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु एक बड़े मशहूर सहाबी हैं, वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए और उन्होंने जो है वो नॉक किया। एक बार नॉक किया, दूसरी बार नॉक किया, तीसरी बार नॉक किया, या फिर उनको आवाज़ दी कि मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ। फलम युज़न, उनको जवाब नहीं मिला, अंदर से किसी का जवाब नहीं आया अंदर से, तो वो लौट गए, उन्होंने वो जगह छोड़ दी, वो जगह से चले गए। हम तो बैल बजाते रहते ना, जब तक दरवाज़ा ना खुले 20 बार 25 बार बैल पे हाथ रख लेते। सबकी ये आदत है मुझ समेत कि किसी तरह दरवाज़ा खुल जाए। अगर हम किसी रिश्तेदार के जाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम बग़ैर बताए अंदर घुस जाते हैं घर में। नहीं, बग़ैर बताए घर में नहीं घुसना, बग़ैर बताए किसी के घर में नहीं घुसना, चाहे वो आपकी बहन का घर हो, चाहे वो आपके भाई का घर हो, चाहे आप अपने वालिदैन के कमरे में दाखिल हो रहे हो, चाहे आप किसी पड़ोसी के घर में हो, पड़ोसी तो दूर की बात है, आप दोस्त के घर में हो, या किसी तरह आप आ रहे हो, किसी कमरे में मीटिंग चल रही हो, चाहे वो बॉस का ही कमरा क्यों ना हो। तो एटिकेट्स क्या हैं? आप दरवाजे पर नॉक करें, आप 3 बार नॉक करें, आप 3 बार उसको पुकारें कि भाई मैं अंदर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं। अगर आपको जवाब नहीं मिलता, अगर 3 बार आपको जवाब नहीं मिलता, तो आप लौट जाएं। तो बहरहाल अबू मूसा अशअरी जो है ना वो चले गए। फिर उनसे पूछा गया कि आप लौट क्यों गए, क्यों चले गए आप दरवाजे से, ये क्या किया आपने? आप इंतज़ार कर लेते, थोड़ा सा मैं आने वाला था, मैं खोल देता, दरवाज़ा खुल जाता, आप चले जाते, आपने इंतज़ार क्यों नहीं किया? तो वो कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इदस्तअज़न अहदुकुम सलासन, जब तुम में से कोई चाहे कि तुम अपने भाई के पास जाओ या जाओ तुम में से कोई एक, फलम युअज़न ली, 3 मरतबा जब उसको तुम पुकारो और उससे जवाब ना आए, 3 मरतबा तुम उसको पुकारो, जब तुम्हें उससे जवाब ना आए, फलम युअज़न ली फलयरज, तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम उस जगह से चले जाओ, तुम्हें चाहिए तुम उस जगह से चले जाओ। तुम्हें ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती वहाँ पे खड़े रहने की या उसको ज़बरदस्ती बुलाने की, वो किसी काम में मसरूफ़ हो सकता है। लेकिन मुसलमान के आदाब ये हैं कि आप 3 मरतबा आप उसको पूछें, अगर जवाब नहीं आता तो आप चले जाएं। एक और जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक और हदीस है, ये वही हदीस है जो छींक मारने के बारे में है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इदा आतसा अहदुकुम फलयकुल अल्हम्दुलिल्लाह। जब तुम में से कोई शख्स छींक मारे, जब किसी को छींक आ जाए तो वह अल्हम्दुलिल्लाह कहे। वलयकुल लहू अखूहु व साहिबी, या वो शख्स जो उसका भाई है जो उसको सुन रहा हो वो कहे यरहमुकल्लाह, कि अल्लाह आप पर रहम करे। और तीसरी बात, जब वो सुन ले, जिस शख्स को छींक आई थी पहले उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर जिन्होंने उसका अल्हम्दुलिल्लाह सुना है वो उसको जवाब में कहे यरहमुकल्लाह। और जिस शख्स को छींक आई थी वो दोबारा इनके जवाब में कहे यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, कि अल्लाह ताला आप सबको हिदायत दे और अल्लाह ताला आपके मामलात को आसान करे। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक और हदीस आती है, अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन दआ रजुलन बिलकुफ्र औ क़ाल अदुव्वुल्लाह वलैसा कज़ालिक इल्ला हार अलैह। अब ये हदीस बहुत कॉमन है हमारे दरमियान। ये आदत जो अल्लाह के रसूल ने बताई है मोमिनीन की, ये हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये जड़ है नफ़रत की। ये ऐसी हदीस है जो हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए। आजकल के दौर में हमें पता होना चाहिए हम क्या बात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते मन दआ रजुलन बिल कुफ्र, जिसने किसी शख्स को काफिर कह दिया, बहुत गुनहगार है ये तो, काफिर हो गया तो, फला लानत हो इसके ऊपर, दुश्मन है ये तो अल्लाह का। और बड़ा मशहूर जुमला जो आजकल हम जरा सा भी नहीं सोचते, किसी के बारे में जरा सा भी चेक एंड बैलेंस ले लो और कहते हैं ये तो यहूदी एजेंट है, ये तो फलां का एजेंट है, ये तो अमेरिका का एजेंट है, ये तो यूं है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमकाना है, ये तो काफिर हो गया। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मन दआ रजुलन, जिसने किसी को इस तरीके से पुकार दिया कि वो काफिर हो गया, बड़ा गुनहगार है ये तो, बहुत ओ भाई गुनहगार शख्स है ये तो, बहुत बड़ा, ये तो फलां, ये तो जानी, ये तो शराबी है, ये तो बदकार औरत है, और ये तो यूं है, ये तो फलाना है यूँ। अल्लाह के रसूल फरमाए इस तरह अगर जिसने किसी को पुकार लिया और औ क़ाल अदुव्वुल्लाह, या उसने कहा ये तो अल्लाह का दुश्मन है, ये तो यूँ है, और किसी ने अपने मुसलमान भाई के साथ इस तरीके की बात करनी शुरू कर दी और उस पर फतवे जारी करने शुरू कर दिए। जब हमें तो 2 सेकंड नहीं लगते, हमें तो 2 सेकंड नहीं लगते, फ़ौरन कमेंट्स के ऊपर लानत लानत, काफिर, लानत, फलाना फलाना, इस तरीके के हम जवाबात हम देना शुरू कर देना। अल्लाह का दुश्मन है ये, अल्लाह ना करे फलां है, ये है, वो है, और बाद में पता चलता है भाई वो झूठी पोस्ट है, उसके बाद उसकी वजाहत हो रही होती है। हमें 2 सेकंड नहीं लगते कमेंट करने के अंदर, और हमें हम इसको नेकी समझते हैं कि हमने बातिल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, अपने हाथ से उसको रोक दिया, अपनी ज़बान से उसको रोक दिया, उसको बोला नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लम। कितनी बुरी बात है, और हमें पता नहीं होता, हमें तहकीक नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हम किसके बारे में क्या अल्फाज कह रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाने जिसने इस तरीके कोई बात करी तो क़यामत वलैसा कज़ालिक इल्ला हार अलैह, तो फिर वो उसी के ऊपर लौट कर आ जाती है। फिर वो कुफ़ुर, वो हरकतें, वो चुगलियाँ, वो गीबतें, वो इल्ज़ाम, वो सारी बातें जो उसने उस पर करी थी वो उसी पर ही लौट कर आ जाती हैं, और फिर वो ही उसी पर जो है शामिल हो जाता है। तो अल्लाह हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इस चीज़ का, किसी भी बात पर, याद रखिएगा, किसी भी बात पर ओपिनियन देने से पहले, और किसी भी बात पर कमेंट करने से पहले, और किसी भी बात पर अपनी ज़बान चलाने से पहले 10 बार सोचा करें। इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और ये सारी चीज़ें, ये कंटेंट इतना ऑथेंटिक नहीं होता जितना हम उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट गेन कर लेते हैं अपना। हमें उसकी तहकीक करनी चाहिए। अव्वल तो पहले ये देखना चाहिए कि ये हमारे कंसर्न की बात है या नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम का हुस्न यही है कि उस चीज़ को छोड़ दिया जाता है जिससे कंसर्न ना हो, उस चीज़ को ही छोड़ दिया जाता है जिससे कंसर्न ना हो। अगर सबसे पहली बात आप ये देखें, अगर आपका सिचुएशन में कंसर्न है या नहीं। अगर आपका कंसर्न नहीं है तो आपने उस खबर की तस्दीक ही नहीं करनी, क्योंकि जब जिस फजूल बातों में पढ़ने से आपका क्या फ़ायदा। जिस चीज़ से आपका कंसर्न नहीं है, जिस चीज़ से आपका लेना देना नहीं है, जिस चीज़ में आपके लिए नफ़ा या नुकसान नहीं है, उस चीज़ के अंदर टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। जिस चीज़ में आपके लिए लर्निंग नहीं है, जिस चीज़ में आपके लिए मोटिवेशन नहीं है, उसमें अपना दिमाग लगाने का, अपना टाइम लगाने का क्या फ़ायदा, वो तो फजूल है आपके लिए। दूसरी चीज़, अगर उसमें आपका कंसर्न भी हो तो फिर आपको चाहिए कि आप उसके बारे में तहकीक करें, आप उसके बारे में, आप उस चीज़ को पढ़ें, आप उसके बारे में तहकीक करें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू। अगर कोई फासिक आके तुम्हें कोई चीज़ बयान कर ले तो तुम उसकी तहकीक किया करो, तुम उसके आगे पीछे देखा करो कि वो कहाँ से बात आ रही है, क्या बात आ रही है, किस अंदाज में लिखी हुई। महज एक जुमले से बात क्लियर नहीं होती, उसकी तहकीक करनी पड़ती है, उसमें जाना पड़ता है, उसको डीप में देखना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसको हर एंगल से देखना पड़ता है कहीं वाकई, क्योंकि बयान करने वाला उसकी कोई गारंटी नहीं है, बयान करने वाले की कोई गारंटी नहीं है कि आपको सच बता रहा है या झूठ बता। वो तो अपनी दुकान चमकाने के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपका काम क्या है? जो वो कर रहा है, याद रखिएगा, अगर किसी ने बुराई फैलाई तो उसके जिम्मेदार आप नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। जो उसने काम किया वो उसी के लिए, और जो आपने काम किया वो आपके लिए। अगर उसने बुराई फैलाई और आपने उसकी बुराई को आपने फैला दिया तो फिर आपसे सवाल होगा। आपको जो चीज़, फिर वही बात है, जिस चीज़ का आपसे कंसर्न नहीं है उस चीज़ को छोड़ें, और जो चीज़ का आपसे कंसर्न है भी उस पर पहले तहकीक करें, फिर उस पर कलाम करें, फिर उस पर बात करें, फिर उसको एक अच्छे आसान अंदाज में लोगों को समझाएं कि भाई ये बात है। इसी हवाले से एक और हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला यंबगी लिस्सिद्दीक़ अन यकून लआनन। जो शख्स सच्चाई को पसंद करता है, जो शख्स सच बोलने को पसंद करता है, जो शख्स पसंद करता है कि चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से हों, सदाकत के साथ हों, जो सच्चे अल्फाज बोलने को पसंद करता है, जो सच्चाई को पसंद करता है, जो सच सुनना पसंद करता है, सच बोलना पसंद करता है और सच्चाई से मोहब्बत करता है, ख़ुद भी सच्चा होना चाहता है, लोगों को भी सच बोलने की तलकीन करता है, उसके लिए ये गवारा नहीं है, उसके लिए ये गवारा नहीं है कि वो लोगों पर लानदान करे। अगर एक चीज की आप तहकीक भी कर लें और अगर वो बुरी है तो आप उस पर लानतान करना शुरू कर दें, लानत हो इस पर, ऐ कैसा बगैरत ये है, कैसा बगैरत शख्स है ये। तो एक सच बोलने वाले पे अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि उसके लिए उसको ये शेवा नहीं देता। एक मोमिन जो सच्चाई को पसंद करता है उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उसके लिए ये अच्छा नहीं है कि वो लानतान कर दे, लान करे, वो लोगों को बुरा भला बोलना शुरू कर दे। अगर आप सच्चे हैं, आपकी नेकियां ज़्यादा हैं, अगर आपकी नमाजें वक्त पर हो रही हैं तो वो आपके लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपनी नेकियों पे फ़ख्र कर लें और मुतशद्दिद हो जाएं, आप लोगों को लान तान करना शुरू कर दें, आप लोगों को बुरा भला बोलना शुरू कर दें, आप लोगों के अंदर नक्स तलाश करना शुरू कर दें, आप लोगों के अंदर लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर दें, लोगों की कमियाँ तलाश करना शुरू कर दें। तुम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, तुम तो यूं हो, तुम तो खेलते रहते हो, तुम तो ये करते रहते हो हर वक्त, तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई काम ही नहीं है। भाई आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, अल्लाह की तौफीक से पढ़ रहे हैं आप उसके लिए दुआ करें। मोमिन लान तान नहीं करता, मोमिन प्रोडक्टिव काम करता है, नफ़रत नहीं करता। अगर कोई गुनाह करे तो मोमिन उससे नफ़रत नहीं करता, मोमिन उससे मोहब्बत करता है और उसके लिए भी चाहता है कि वो भी इस तरीके से नमाजें पढ़े, वो भी इस तरीके से नेकी के काम करे, वो भी इस तरीके से सदक़ात खैरात करे, वो भी इस तरीके से अपने वालिदैन से बात करे। तो मोमिन का काम ये होता है ला यंबगी लिस्सिद्दीक़ अन यकून लआनन, कि वो लान तान नहीं करता। और एक और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम, ईमान के साथ इस बात को जोड़ा है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीही, जब तक कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते, जब तक तुम्हारा ईमान कामिल ही नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई एक शख्स भी कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता हत्ता युहिब्बा लि अखीही, यहाँ तक कि वह अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करते हैं। अगर आपको पसंद है कि आप हिदायत पर हैं तो आप अपने भाई के लिए भी वो पसंद करें, अगर आपको पसंद है इस बात पर कि आप अच्छा खाना खाएँ तो आप अपने भाई के लिए भी वो पसंद करें। खुद के लिए VIP खाना और गरीबों को सूखा और इस तरह ठंडा खाना दे दिया, आप सोचिए अगर आप खाएंगे तो आपको कैसा लगेगा। ख़ुद आप अच्छे कपड़े पहने और गरीबों को आप बिल्कुल ख़राब कपड़े दे देते हैं। और ये आदत सब में है, यह आदत हम में भी है, मुझ में भी है, आप सब में है। हमें इस्लाह की ज़रूरत है, हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है। दीन लोगों के साथ भलाई का नाम है, सिर्फ सजदे और नमाजें और रुकू सुजूद करना और ज़कातें देना और हज करने का नाम नहीं है। बल्कि आप चाहे कारोबार में हो, अगर क्या आपको, मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या आपको पसंद है कि कोई आपका कर्ज दबा ले? जब आपको ये नहीं पसंद तो आप दूसरे का कर्ज क्यों दबा रहे? क्या आपको पसंद है कि कोई आपको ऐबदार चीज़ बेचे? तो जब भाई आपको नहीं पसंद तो आप दूसरे को क्यों बेच रहे हैं? क्या आपको पसंद है कोई शख्स आपको एक माल महंगा बेचे, आपको अलग, आपको इतनी कीमत पर भेजे कि आप मजबूर हो जाए, आपकी मजबूरी से फ़ायदा उठाए? कि आपको पसंद है? अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप दूसरे की मजबूरी से क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं? तो अगर आप मोमिन हैं, अगर आप नमाज़ें पढ़ते हैं, तो अगर आप हज करते हैं, तो आप ज़कात देते हैं, आप अपने ईमान के दावे करते हैं, तो आपका ईमान तो कामिल ही नहीं हो सकता जब तक कि आप उस दूसरे शख्स के लिए खैर ख्वाही, अगर आप अपने साथ खैर ख्वाही मानते हैं तो दूसरे के साथ भी खैर ख्वाही करें, तब जाके इंसान का ईमान कामिल होता है। ला युमिन अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सिही, जो वो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए भी पसंद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल लाआनीन, उन लोगों के लिए ये हदीस है जो बहुत ज़्यादा लाआन करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों की कमी कोताहियाँ निकालने, हर वक्त तनकीद, हर वक्त बुराइयाँ, हर वक्त परेशान, हर वक्त गीबतें, हर वक्त चुगलियाँ, हर वक्त लान तान करना, फ़लाँ तो ऐसा है, फ़लाँ तो ऐसा है, फ़लाँ औरत ऐसी है, फ़लाँ मर्द ऐसा है, ये फ़लाँ शख्स ऐसा है, फ़लाँ ये इस तरीके का ऐसा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नल लाआनीन, जो कसरत से लानत करते हैं, बेशक जो कसरत से लानत करते, ला यकूनु शुहदा, क़यामत के दिन कोई नहीं होगा उनके साथ, कोई गवाही नहीं देगा उनके हक़ में, क्योंकि लानत बहुत करते हैं वो। कौन गवाही देना पसंद करेगा? कोई गवाही नहीं देगा। वला शुफाआ, और कोई शफात नहीं होगी, ना कुरान की शफात हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात कर रहे हैं उसकी, ना मोमिनीन दूसरे उसके लिए आ रहे हैं, ना कोई कुरान की सूरत आ रही है उसके लिए झगड़ा कर रही है, जैसे सूरह मुल्क आएगी क़यामत वाले दिन झगड़ा करेगी। लेकिन लाआन शख्स के लिए ना कोई गवाह होंगे और ना कोई शफ़ी होंगे, कुछ नहीं होगा उसके लिए, उसके लिए बर्बादी हो जाएगी क़यामत वाले दिन। तो हमें इन बातों को समझना चाहिए, हमें ये लाआन वाली चीज़ों से बचना चाहिए और हमें ख़याल होना चाहिए कि हम किसके लिए क्या बात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सच्चाई के बारे में। देखें, अब मोमिनीन आपस में एक दूसरे से सच बोलें, हमारे आदाब में से ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सच बोला करो, अलैकुम बिस्सिद्क़, तुम पर सच्चाई वाजिब कर दी गई है, तुम पर सच्चाई फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, तुम पर लाजिम है कि तुम सच बोलो। क्यों सच बोलो? सच्चाई, जब लोग तुम्हें पैसे दें तो तुम सच बोलो, जब लोग तुम्हें बुलाएं, जब लोग तुमसे सवाल करें तो तुम उनसे सच बोलो, जब लोग तुमसे पूछें किसी चीज़ का हिसाब लें तो तुम सच बोलो, जब लोग तुम्हारे बारे में कोई सवाल करें, जब लोग तुमसे किसी और के बारे में पूछें तो तुम उसके बारे में सच्चाई बयान करो। अक्सर देखें हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत ही अफसोस की बात है और बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। जब रिश्ता तय हो रहा होता है, जब एक लड़के का एक लड़की के साथ रिश्ता तय हो रहा होता है, जब उसका निकाह होने वाला है, तो उसकी बुनियाद क्या रखते हैं? हम अपनी एज छुपाना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि रिश्ता ख़राब हो जाएगा, हम उससे झूठी सैलरी बताना शुरू कर देते हैं, उससे लगता है हमें कि हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, हम उसको झूठी उम्र बताना शुरू कर देते हैं, हम उसको अपनी झूठी माल दौलत बताना शुरू कर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि शायद हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। अरे भाई, रिश्ता तो बनता ही तब है जब उसमें सच्चाई हो। जो लोग इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके पास माल दौलत नहीं है, तो वह आपसे किस तरीके का सलूक करेंगे? फिर इससे तो बेहतर है बंदा शादी ना करे। ऐसे झूठ के ऊपर, झूठ पे मबनी रिश्ता, उसमें कैसे बरकत आएगी? एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सच बोलो, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग आपके माल दौलत की वजह से आपसे शादी कर रहे हैं, जो लोग आपकी सैलरी की वजह से आपको देख कर शादी कर रहे हैं, हाँ एक ज़रूरत वाली चीज़ है, मैं सुस्ती और काहली और घर में बैठने को नहीं कह रहा, बंदे को मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हालात उसको देखने चाहिए। झूठ के ऊपर रिश्ते कभी नहीं बनते, झूठ से कभी भी बरकत नहीं आती। सच बोलें, अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई को इख्तियार करें। मार्केट के अंदर हो, जब कोई आपसे पूछे कि भाई आपने ये काम क्यों किया, तो आप उसको सच बोलें कि मेरी ये वजह थी काम करने की। सच बोलें, भले उसको नागवार गुजरे, आप उसको सच बोलें, झूठ ना बोलें। अल्लाह की नज़रों में अच्छे बने, अल्लाह की नज़रों में अच्छे बने, लोगों की नज़रों में अच्छे ना बने। झूठ बोल के आप लोगों की नज़रों में अच्छे बन सकते हैं, अल्लाह की नज़र में अच्छे नहीं बन सकते। और जो शख्स अल्लाह की नज़र में अच्छा नहीं बनता, अल्लाह उससे नफरत करता है, और जब अल्लाह किसी से नफरत करता है तो अल्लाह जिब्रील को भी हुक्म देता है कि जिब्रील तुम इससे नफरत करो। जिब्रील भी उससे नफरत करते हैं और जिब्रील तमाम फरिश्तों को बोलते हैं कि तमाम फरिश्ते उससे नफरत करें। और अल्लाह ताला ज़मीन के अंदर फिर उन लोगों के दिलों में ये डाल देता है, लोगों के दिलों में उस शख्स के लिए नफरत डाल देता है। तो आप देखें, जो लोग सच बोलते हैं, शुरू में लोगों को उस लोगों की नफरत मिलती है। उसको लोग बोलते हैं यार तुम कितने बुरे आदमी हो, तुमने ये काम कर दिया, ये क्या किया तुमने, तुम्हारी वजह से रिश्ता टूट गया, तुम्हारी वजह से माल नहीं बिका, सच बोलने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी वजह से ये काम हो गया, तुम्हारी वजह से वो काम हो गया। शुरू में उसको जिल्लत होगी, शुरू में उसको जिल्लत होगी, लेकिन अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगे। और जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह जिब्रील को बोलता है कि जिब्रील इससे मोहब्बत करो, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। फिर जिब्रील फरिश्तों को बोलते हैं, फिर फरिश्ते ज़मीन में आकर, और फिर लोगों के दिलों में मोहब्बत उसके लिए पैदा हो जाती है। तो जो उससे नफरत करते हैं उन्हीं के दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देता है। फिर वो मोहब्बत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन वो सच्चा रहता है और डटा रहता है। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, युसब्बितुल्लाहु लल्लज़ीना आमनु बिलक़ौलिस साबित, अल्लाह साबित कदम उनको रखता है जो अपनी बात पे साबित रहते हैं, सच पे डट जाएं, सच्ची बात किया करें, भले लोग नाराज़ हों, वालिदैन नाराज़ हों, जो भी हो, सच्ची बात करें और जज्बाती ना हो। आराम से समझाएं, देखें भाई मैंने तो सच बोला है आपसे, यकीनन ये आपकी ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ है, लेकिन हकीकत बात यही है, आप चाहें तो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैंने अल्लाह के डर से, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से मैंने सच बोला। अलैकुम बिस्सिद्क़, अल्लाह के रसूल फरमाने फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर, क्योंकि सच्चाई जो है इंसान को नेकी की तरफ लेकर जाती है, सच्चाई नेकी की तरफ लेकर जाती है, झूठ नहीं। हदीस में आ रहा है आगे कि झूठ उसको कहाँ पे लेके जाता है, सच बोलो, सच्चाई तुम्हें नेकी की तरफ लेके जाती है। और मैं आपको एक बात मैं आपको बताऊँ, ये जो बातें होती हैं ना सच्चाई की, आजमाइशों की, सच बोलना हो गया, या सच बोलना भी एक आजमाइश है, तो उलमा कहते हैं ये एक दवाई की तरह है, इट्स लाइक अ मेडिसिन, ये एक दवाई की तरह है। ये जायके में तो कड़वी है, जायका इसका कड़वा है, बहुत ख़राब जायका होता है इसका, दवाई की तरह होती है, बहुत सख्त है, उसका कड़वा जायका होता है, लेकिन ये इंसान के जिस्म को फ़ायदा देती है, ये इंसान के अंदर ताजगी पैदा करती है, ये इंसान की नफ्सियात और उसकी रूहानियत के अंदर और उसकी जिस्मानियत के अंदर ये ताजगी लाती है। और ये इस तरह आजमाइश ऐसी होती है, और आजमाइश एक ऐसी चीज़ होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब गौर से सुनिएगा, मैं बड़ी ज़बरदस्त हदीस बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके ऊपर आजमाइशें, चाहे औलाद की हो, चाहे वालदैन की हो, चाहे माली हो, चाहे जानी हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे मिस्कीन हो, चाहे फ़कीर हो, किसी भी किस्म की आजमाइश हो। औलाद होना भी आजमाइश है, कभी किसी के लिए औलाद होना आजमाइश है, तो किसी के लिए औलाद ना होना आजमाइश है, किसी के लिए बड़ा घर आजमाइश है, किसी के लिए छोटा घर आजमाइश है, किसी के लिए किसी के बाद बड़ा घर आ जाता है, पैसा आ जाता है, सेहत नहीं होती, आजमाइश, किसी के पास सेहत आ जाती है, पैसा नहीं होता, आजमाइश, किसी के पास सब कुछ आ जाता है, औलाद भी आ जाती है, लेकिन वो नाफरमान होती है, आजमाइश, किसी के पास कुछ भी नहीं आता और औलाद भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता अल्लाह की तरफ से, फिर वो आजमाइश, किसी के वालिदैन हैं तो आजमाइश, किसी के वालिदैन नहीं हैं तो आजमाइश, कोई यतीम है तो आजमाइश। तो आजमाइश तो दुनिया में रहेगी हर मोमिन के साथ। क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसको तकलीफ़ों में डाल देता है, अल्लाह ताला उसके साथ आजमाइशें जोड़ देता है, अल्लाह ताला उसके साथ परेशानियां लगा देता है, ताकि वो बार बार अल्लाह से रुजू करे। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दअाना, जब उसको कोई तकलीफ़ छू लेती है, कोई परेशानी में आ जाता है वो, ज़ुर्रुन दअाना, तब वो हमें पुकारता है। देखिए, खुशहाली में अल्लाह याद नहीं आता, बहुत ही कम लोग होते हैं वो जिनको खुशहाली में अल्लाह याद आता है, वो शुक्र अदा करते हैं खुशहाली में, लेकिन जब वो परेशानी में आ जाते हैं ना, तब अल्लाह याद आता है। दआना लिजंबिही, बैठ कर, लेट कर, खड़े होकर, लिजंबिही औ काइदन औ काइमा, बैठ कर, लेट कर, उठ कर, वो अल्लाह याद आ रहा होता है उसको, लिजंबिही औ काइदन औ काइमा। फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, आगे वाली लाइन में अल्लाह ताला ने डराया इस चीज़ से, फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, फिर अल्लाह ताला जब उस आजमाइश को दूर कर देते हैं, बुखार आ गया इंसान को, वो फिर वो दूर हो गया, तब अल्लाह याद आ रहा था, कोविड हो गया तो अल्लाह याद आने लगा, कोई अल्लाह ना करे कोई वायरस हो गया तो अल्लाह याद आने लगा, बुखार हो गया तो अल्लाह याद आने लगा, गम आ गया कोई अल्लाह याद आने लगा, उसको अल्लाह को पुकारा है, उधार में फंस गया अल्लाह याद आने लगा, अल्लाह याद आ जाता है फ़ौरन इंसानों को, लोगों को, हमको, मुसलमानों को। लेकिन अल्लाह कहता है फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, जब वो दूर हो जाती है, जब वो कर्ज़ चला जाता है, जब बीमारी चली जाती है, जब वायरस ठीक हो जाता है, जब परेशानियां निकल जाती हैं, जब सारे मामलात आसान हो जाते हैं, फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, जब अल्लाह ताला हटा देता है, मर्रा कअल्लम यदउना इला ज़ुर्र मसा, ऐसे गुजर जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा तकब्बुर आया। कौन अल्लाह, कैसा अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, कौन सी नमाज़ें, कैसी नमाजें, कौन सी हलाल कमाई, कैसी हलाल कमाई, सब भूल जाता है वो, ऐसे गुजर जाते जैसे कुछ हुआ है, होया ही नहीं उसके साथ, ऐसे गुजर जाता है वो। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में ना बताए। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर, सच्चाई यकीनन रास्ता है सच्चाई नेकी की तरफ। व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और जो नेकी कर लेता है वो जन्नत में चला जाता है। वमा यज़ालु रजुलु यसदुकु व यहर्रु सिद्क़ हत्ता युक्तबु इंदल्लाहि सिद्दीक़न। देखें अल्लाह ताला एक सच बोलने वाले का कितना रिगार्ड रखता है। बंदा सच बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, लोगों में वो सादिक मशहूर हो जाता है, भाई ये सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है। और यहां तक के अल्लाह ताला उसको सिद्दीकों में लिख देता है। अल्लाह ने चेक दे दिया उसको, ये सच्चा है भाई, सच्चा है ये। कल सुनी होगी ना आपने हदीस, जब एक मोमिन की रूह परवास करती है, पहले आसमान के फरिश्ते उसको प्रोटोकॉल देते हैं, दूसरे आसमान के फरिश्ते उसको प्रोटोकॉल देते हैं, फिर तीसरे आसमान के, फिर सातवें आसमान के। फिर अल्लाह ताला का हुक्म होता है उक्तुब आबदी किताबक फी अल्लियीन, इसको इल्लियीन में लिख दो, इल्लियीन में लिख दो, जहां पे नेक लोग लिखे जाते हैं, इल्लियीन में लिख दो इसका नाम। तो अल्लाह ताला उसको सिद्दीक में लिख देता है, सच्चा है भाई, सच्चा, चेक मिल गया उसको। और इसी तरह, इसी के बरक्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अब देखें ये सच किससे बोलना है, ये सच किससे बोलना है, ये सच लोगों से बोलना है। ना इसका नमाज से कोई ताल्लुक़ है, ना इसका ज़कात से कोई ताल्लुक़ है, ना इसका रोज़े से कोई ताल्लुक़, ना हज से कोई ताल्लुक़, ना तौहीद से ताल्लुक़। ये सिर्फ एक मोमिन के आदाब हैं जो दूसरे मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। लोगों से सच बोलो, सिर्फ अल्लाह से नहीं, लोगों से भी सच बोलो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमा रहे हैं हदीस में, वइय्याकुम वल कज़िब, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो अपने ऊपर, झूठी बातें नहीं किया करो, लोगों से झूठ ना बोला करो। फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर, कि जो शख्स झूठ बोलता है, झूठ तो रास्ता दिखाता है उसको फुजूर की तरफ, फिस्क व फुजूर, गुनाहों की तरफ। नेकी जारी है, सच ले जाता है उसको सच्चाई में, और झूठ ले जाता है उसको बुराई में। सच्चाई झूठ उसको कभी सच की तरफ, नेकी की तरफ ले जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और झूठ उसको नेकी की तरफ ले जाए, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐसी बात नहीं करी, तो आपकी अकल जैसी भी हो, आप कितना भी आप कयास कर लें, लेकिन सच हमेशा सच रहता है, सच हमेशा सच रहता है, और झूठ हमेशा झूठ रहता है। सच हमेशा नेकी की तरफ जाता है, और झूठ हमेशा बुराई की तरफ जाता है, इसमें कभी खैर नहीं हो सकती। व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और बेशक जो फिस्क व फुजूर में पड़ जाता है, उसका रास्ता जो है जहन्नुम की तरफ हो जाता है। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, वमा यज़ालु रजुल यकज़िबु व यतहर्रल कज़िब। एक शख्स झूठ बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, इतना ज्यादा चला जाता है, झूठ बोलता रहता है, और फिर वो झूठ बोलते 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 लोगों में झूठा मशहूर हो जाता है। बड़ा झूठा आदमी है, आपने देखा नहीं है, आपने देखा नहीं है, लोगों घरों में मशहूर होता है, यार फलां शख्स बहुत झूठा है, इससे बात करने बेकार है, यार जब देखो झूठ बोलता है, ये औरत झूठ बोलती है, ये मर्द झूठ बोलता है, ये हर वक्त झूठ बोलता है, ये हर वक्त लोगों को लड़वाता है, झूठ बोलता है, उल्टी सीधी बातें करता है, तो ये जहन्नुम में जाने का रास्ता है, जहन्नुम में जाने। तो ये आदाब है। लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको एक हदीस सुनाऊंगा, वक्त कम है और हमें इस चीज़ को भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन के आदाब के अंदर, रग़िमा अनफू, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम्हारी नाक खाक आलूदो मट्टी में मिल जाए, तुम्हारी नाक रग़िबा अनफु सुम्मा रग़िबा अनफु, 3 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी नाक मट्टी में मिल जाए। यानी कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और तुम उसको अवेल नहीं करे, इससे बेहतर तुम अपनी नाक रगड़ लो मट्टी में। रग़िबा अनफु मन अदरका अबवैहि इंदल किबर अहदुहुमा औ किलैहुमा फलम यदखुल जन्ना। अल्लाह ताला ने एक शख्स को वालदैन दिए, बूढ़े वालदैन दिए उसकी ज़िंदगी के अंदर, या फिर वालिद या वालदा, उन दोनों में से कोई एक, और फिर भी उनकी खिदमत ना करके वो जन्नत नहीं कमा सका। ऐसे बेहतर है कि तुम अपनी नाक रगड़ लो मट्टी में, तुम्हारी इज्जत किसी काम की नहीं है। कि माँ बाप हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं, माँ बाप हमारे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं कि आपको चाहिए कि आप उनकी खिदमत करें, आप उनके साथ हुस्न सलूक करें, ताकि अल्लाह ताला आपको, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, नाक मट्टी में मिल जाए उसकी, जो खिदमत नहीं कर सका अपने माँ बाप की, जो जन्नत नहीं कमा सका, जो जन्नत तलाश नहीं कर सका उनके कदमों के अंदर। इससे बेहतर है उनकी नाक जो है ना वो मट्टी में मिला ले इंसान, कि उसको दुनिया की भी क्या चीज़ उसको फ़ायदा देगी, अगर वो माँ बाप की खिदमत करके भी जन्नत में नहीं जा सका। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। हमें अमल करना चाहिए इस पर, हमें अपने भाई का ख्याल होना चाहिए। एक शख्स सिर्फ अपने आप को दीन को मुख्तस कर ले, सिर्फ नमाज होते हज ज़कात और अखलाक उसके लिए कोई माना नहीं रखते, तो ऐसे दीन की भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तो ऐसा दीन नहीं सिखाया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अखलाक वाला दीन सिखाया, हमें लोगों के साथ अदब वाला दीन सिखाया। जो भी इसमें गलतियाँ थीं और जो भी इसमें कोताहियाँ थीं, जो भी इस इल्म में कमी थी वो मेरी ही तरफ़ से थी, और जो उसमें खैर थी और जो उसमें भलाइयाँ थीं वो अल्लाह की तरफ़ से थी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।